जिस देश की ताकत मेरी फौज हो, वह बॉर्डर की रक्षा सुरक्षा बिल्कुल मजबूती होगी। उन फौजियों को सलूट जो देश की रक्षा में दिन रात एक करते हुए अपनी योगदान भारत माता जगत जननी की रक्षा के लिए तैनात है। आपको सलूट सर। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चलें भारत को मजबूत करने, भारत की निर्माण करने। यही है मेरा भारत, मेरा राष्ट्र, मेरी पहचान, मेरी तिरंगा, मेरी आन बान शान। मैं हूं भारत की पहचान, मैं हूं भारत की पहचान, भारत का मैं हूं बेटा, मैं हूं भारत के लाल। मेरी मिट्टी, मेरी गगन, सब कुछ चूमे आदम के साहस के साथ। मैं हूँ भारत की पहचान, मैं हूँ भारत की पहचान, मेरी वीरता सौर सब कुछ न्योछावर करती हूँ। जिस तरह से आप देखते हैं धरती माँ को सलूट, हर दिन धरती माँ को सलूट। आओ मिलकर चलें राष्ट्र को मजबूत बनाने, नव निर्माण करने। मैं आया हूँ अखंड की ज्योत जलाने, भारत देश मेरा शांति प्रिय देश मेरा, मेरी सोच मानवता का सबसे है प्यारा सबसे है न्यारा। मैं हूँ देश के लाल, मैं हूँ मेरा राष्ट्र की पहचान, मैं हूँ राष्ट्र की तिरंगा। यही है मेरी एक मिसाल। आगे एक रिपोर्ट देखिए। जी क्या नाम सर जी आपका? जी शिवम यादव। जी शिवम यादव जी, आप बताइए आज देश के प्रति आप कितना क्या बताना चाहते हैं, और आप नवयुवा हैं और कितना मजबूती के साथ आप खड़े हुए हैं? देश के साथ तो हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जैसे कि चीन नेपाल हमारे साथ दो तरफा नीति अपना रहे हैं, एक तरफ तो युद्ध की नीति अपना रहे हैं, दूसरा चाहते हैं कि व्यापार भी करते रहें, तो ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने चाइना, भारत सरकार के साथ साथ यूपी सरकार ने भी चाइना के ऐप को डिलीट करने के लिए आदेश जारी किया हुआ है। जी जी। और नेपाल जैसे अपने हमारे भारत के कुछ इलाके अपने नक्शे में मिला रहा है, ये भी वो बिल्कुल गलत कर रहा है, ना कि ये ऐतिहासिक तौर पर इसका कोई आधार भी नहीं है। जी तो यादव जी, आप जिस तरह से आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, इसे देखते हुए आप कितनी विस्तार रूप से आप चीन और भारत का रिश्ता और बता सकते हैं? आप जिस तरह से 1962 में चालाकी से हमारे फौजियों को शहीद कर दिया था, आज हम 2020 में हैं और सख्ती के साथ खड़े हुए हैं और हमारे देश की आन बान शान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने देश के फौजियों को क्या बताना चाहते हैं? क्या उन्हें जो है ताकत के साथ बॉर्डर पर खड़े रहने की लिए आप बताते हैं? जी जैसे कि नेहरू के समय युद्ध की बात है, वहाँ पे तो हम लोगों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपना रखी थी, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया हुआ था। जी जी। लेकिन इसके बाद बावजूद भी उन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया और हमारी जमीन हथियाने की कोशिश करी। जी। लेकिन उसके बाद अब देखा जाए तो अब हमारी नीति हिंदी चीनी भाई भाई के साथ साथ उसके विरोध की भी नीति है। जिस तरीके से हमें अपनी विस्तारवादी नीति के अनुसार फंसाना चाहता है, और देश जैसे चीन की मोतियों की माला की तरह वो हमें घुमा रहा है इधर से उधर, तो अब हम उसका कड़ा विरोध भी कर रहे हैं इसके साथ साथ। जी। और जैसे कि हमारे फौजियों को परेशान कर रहा है कि हम मारे, अगर वो एक मारा है तो हम भी दो मारे, 40-50 मारे हैं सर। तो मारे तो हम 40-50 हैं, तो कहने का तरीका जैसे एक मार रहा है तो हम वो चुप्पा है, 5 मार। चीन जो है वो बोल ना रहा हो, चीन जो है चुप्पा है, वो बताना नहीं चाहता, बताता ही नहीं, दुनिया को बताता ही नहीं कि हम इस तरह के हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैला कर आज जो है उसमें अपना सुपर पावर बनना चाहता है। तो यादव कोरोना फैला रहा है एक तरफ, तो अपनी गलतियां छुपाने के लिए वो यह नीति अपना रहा है कि पड़ोसी देशों को परेशान करना। इसमें भारत ने उसका विरोध किया UNO में, तो वो यहाँ पर जो सीमा विवाद है उसमें उलझा रहा है, जैसे नेपाल के साथ मिलकर उस भारत को ही उलझा दे रहा है। तो भारत भी किसी से कम नहीं है, भारत भी मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। जी तो चलते चलते यादव जी, आप जिस तरह से अपने देश के सपूत, अपने देश कहना चाहते हैं?
हम देशवासियों की तरफ से उनके लिए यही कहना है कि सारा देश अपने फौजी भाइयों के साथ, उनके परिवार वालों के साथ, उनके बच्चों के साथ मजबूती से टिककर खड़ा हुआ है। किसी भी तरीके से उनको कोई परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा जी। सरकार के हम पूरी इस मुद्दे पर पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं जी। यादव जी, जल्दी जल्दी एक और आपसे बात करूँगा। जिस तरह से फौजी भाई जो है बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, हम उनके पीछे खड़े हुए हैं। आज 135 करोड़ देशवासी उनके पीछे खड़ा हुआ है, और इसे खड़ा होने के लिए आप क्या किस तरह से विवरण देना चाहते हैं सर? विवरण तो हम यही देंगे कि अगर किसी भी फौजी भाइयों को परेशानी होती है, समस्या होती है, तो हम उनका किसी भी तरीके से मदद की जाए उनकी। जैसा कोई अगर फौजी भाई शहीद होता है तो हम किसी ना किसी रूप में उनको मदद करें, सरकार की तरफ से उन्हें आर्थिक पैकेज दिया जाए, नौकरी दी जाए परिवार में, इस तरीके से उनके साथ खड़ा हो और जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए जी। बहुत बहुत वेलकम आपका, स्वागत यादव जी। जिस तरह से आप देश के प्रति खड़े हुए हैं, आप जल्दी से जल्दी IAS की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए शुभकामना है। जल्दी से जल्दी आप जो है आगरा का नाम रोशन करें, अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत सलूट सर, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।